हाय गाइस, दिस इज जेआर एंड यू आर वाचिंग वर्क एट आवर जॉब हेल्पफुल। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स, कौन सी अभी चालू है, कौन सी रनिंग है, टिल अपडेट जॉब्स का मैं आपको देता हूं। गाइस, वीडियो का अपडेट देने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को टच कर लें ताकि नई नई जॉब के अपडेट्स आपको जल्दी पहुंचे। फ्रेंड्स, एक और बात, हम लोगों को सैटरडे संडे, प्लीज रिक्वेस्ट है कि सैटरडे संडे कॉल नहीं करें। सैटरडे के दिन हम लोग अपने जो है काम में, वर्क में बिजी रहते हैं। कितने लड़के लोग एक हफ्ते में आए, कितना जो ज्वाइनिंग हुआ, कितना गया, अभी कितना आने वाला है, बस उसी डाटा में लगे रहते हैं दिन भर। संडे के दिन हम लोगों की छुट्टी होती है। मैं आज का ही बोल रहा हूँ, सुबह से पता नहीं कितना कॉल आ गया मैंने, काफी बोलने के बाद भी जो है आप लोग संडे को सैटरडे को कॉल करते हैं, फिर होता क्या कि हम लोगों की तरफ से कुछ रिस्पांस मिलता नहीं है और आप लोग जो है जाके यूट्यूब पे फेक बोलता है और कुछ कोई बोर बोलता है, कोई बोलता है कि तुम तो बड़े बड़े लंबे फेंकते हो और जो है रिस्पॉन्स नहीं देते फोन का। तो मेरे भाई, एक चीज बोल दो कि सैटरडे ना संडे हम लोग को कॉल नहीं करें, हम लोग बिजी रहते हैं सैटरडे संडे के दिन। मंडे से फ्राइडे के बीच में आप 9 बजे या 9:30 बजे के से लगाकर 4 बजे तक कॉल कर सकते हैं, हम लोग अच्छे से आपका रिस्पांस देते हैं। तो गाइस, अभी जो है मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाला था जो है कपड़े की फैक्ट्री का, वो भी अभी चालू है। जो जो बंदा इंटरेस्टेड है अनपढ़ वालों के लिए, वो बंदा आके ज्वाइन हो सकता है। वो अभी रनिंग में है, चल रहा है। हालांकि बीच में जो है 1 तारीख से लगाकर 10 तारीख तक इसको लास्ट स्टॉप कर दिया था। रीजन ये था कि कितने बंदे उनके पास आए हैं और अभी कितना जो है रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट्स की, तो उसी का डाटा लेने के लिए एक 10 दिन के लिए थोड़ा स्टॉप किया था बीच में। 10 दिन नहीं, 3 से 4 दिन बस उतना ही। अभी वो भी चल रहा है वैकेंसी, अनपढ़ वालों के लिए भी है, पढ़े लिखे वालों के लिए। उसमें मैंने पहले ही आपको अपडेट दिया था, फिर भी एक आपको छोटा सा और दे देता हूँ कि खाना पीना रूम फ्री है उसमें और 10,000 सैलरी है और प्लस ओटी मिलता है। एक्चुअल पहले था कि जो है 12 से 13 सैलरी था, वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए अभी भी है। नॉन एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की सैलरी है 10,000 रुपया, खाना पीना रूम फ्री। वो जो अभी चल रही है, जो जो बंदा कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है वो बंदा मुझे आधार कार्ड भेजे। अब काफी लोग ऐसे फ्रॉड किया करते हैं कि जो है नियर बाई लोकेशन से ही कोई एजेंसी वाले कॉल करते हैं, उनसे कॉल करवाते हैं। ऐसे से भी पागल रहते हैं दूसरे एजेंसी वाले, दूसरे कंपनी वाले, वो क्या करते हैं किसी बंदे को भेजते हैं, कॉल करवाते हैं और बेंगलोर में ही खड़े रहकर बोलते हैं सर मैं जो है वहां पहुंच गया हूँ। पहुंच गए बोले तो हम लोगों को ना तो उनका आधार कार्ड आता है, ना उनका जो कुछ अपडेट आता है, वो सीधा बोलते हैं मैं पहुंच गया हूँ। कल परसों ऐसा ही किसी बंदे ने बोला कि सर मैं यहाँ पे स्टेशन पर पहुंच गया, त्रिशूर स्टेशन पर पहुंच गया। ठीक है भाई, तो अपना आधार कार्ड भेज। बंदा जो आनाकानी कर रहा था भेजने में, और जब वो आवाज बात कर रहा था तो लग रहा था कि उनके पास में कुछ बच्चे से चिल्लाने की आवाज आ रही है और बोल रहा है कि मैं स्टेशन से बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर भी मैंने उस अगले वाले पार्टी का नंबर दिया, बोला था अपना ही आदमी का नंबर दिया केरला वाले का। वो उस बंदे को वीडियो कॉल कर रहा है जबकि वो एक मैनेजर है, वो मैनेजर मीटिंग में था। अब रहता यह कि वो बंदा हर किसी का कॉल रिसीव नहीं करता, जब तक मैं ना बोलूं तब तक वो उसको बार बार वीडियो कॉल कर रहा है, ये मुझे बोल रहा है कि वो फोन रिसीव नहीं कर रहा। फिर मैं उसको बोला भाई एक काम कर, तेरा सेल्फी भेज मुझे, तब पता चला कि तू कहाँ पे है। और हुआ ये, वो कोई दूसरी कंपनी के थ्रू, दूसरी कंपनी के द्वारा भेजा हुआ कैंडिडेट्स था, बंदा था, या फिर दूसरी कंपनी वाले समझ लीजिए, वो था जो फेक में जो है बेंगलोर से ही बोला था कि मैं जो है वहाँ स्टेशन पे खड़ा हूँ, सर मैं यहाँ खड़ा हूँ, उसका नंबर दीजिए मैं जाना चाहता हूँ। और काफी कैंडिडेट्स ऐसे भी रहते हैं कि सर उसका नंबर दे दीजिए ना, सर उसका नंबर दे दीजिए। सर एक ही बात बोल रहा हूँ कि हम लोगों की तरफ से आपको डायरेक्ट नंबर नहीं दिया जाता है। जो जो बंदा ज्वाइन हो चुका है ना, चाहे तो उसका नंबर देता हूँ, आप कॉल कर लीजिए, कैसा काम है, क्या है क्या नहीं है। अगर के डाउट्स का कुछ रखना नहीं मन में, अगर डाउट रहता है तो आप कॉल ही ना करें, मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे ही नहीं। तो गाइस, हेल्पर में अभी वैकेंसी चल रही है केरला में कपड़े की फैक्ट्री का। रूम खाना पीना फ्री है, 10,000 सैलरी है। इसके अलावा मैंने रिसेंटली कल जो वीडियो डाला था रिलायंस स्मार्ट का, वो जो है आपको मंडे तक लास्ट है। मंडे बोले तो मंडे से रेज्यूम भेजिए, आपका ट्यूसडे वेडनेसडे तो ज्वाइनिंग हो जाता है, कहने का मतलब है ज्वाइनिंग हैंड टू हैंड हो जाता है, लेकिन एक दिन ट्रेनिंग प्रोसेस में भेजा जाता है। तो इसमें जो है मंडे ट्यूसडे लास्ट है, 2 दिन का टाइमिंग है। इसमें लोकल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, आउट ऑफ स्टेशन वाले कॉल नहीं करे इस जॉब के। तीसरा जो जो जॉब से आगे लेके आए हो, पैकिंग का बोले तो ये पैकिंग जो है मैं आपको उस वीडियो में क्लियरली समझाया था, एक एक चीज एक्सप्लेन किया रहा था उसमें कि ये जो रहता स्टोर का रहता, सुपरमार्केट का रहता, हाइपरमार्केट का रहता, ये कोई अमेजोन का पैकिंग का नहीं रहता, ये कोई जो है
कुरियर का नहीं रहता है, जो है आप पैकिंग के लिए जो है काफी कैंडिडेट्स जो है मुझे सुबह से शाम तक इसी के लिए कॉल करा, सर आपने पैकिंग का डाला था और जो है उसमें जो है मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो गाइस पहले वीडियो को पूरा देखे, एंड तक देखे, मैं क्या बोलता हूँ, क्या जो है क्या नहीं बोलता हूँ, किस में क्या फ्री है, किस में क्या फैसिलिटी है, वो पूरा देखने के बाद कॉल करें मेरे भाई। कभी भी जो है आधा अधूरा वीडियो देख के कॉल नहीं करें, इससे क्या रहता है कि आपको कन्फ्यूजन रहता है, हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। हम लोग आपको एक्सप्लेन कितना करते हैं, काफी कैंडिडेट्स ऐसे भी रहते हैं जो बोल रहे हैं कि सर एक बार मुझे अपडेट कर देंगे कौन सा जॉब चल रहा है, तो मैं उसके लिए भी आपको पर्सनल एक अपडेट देता हूँ। उसके लिए भी मैं वीडियो में हर किसी को एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता में जो है मैं एक अपडेट देता हूँ कि अभी रनिंग में कौन सा चल रहा है, कौन सा फुल हो गया है, वो पूरा अपडेट देता हूँ। फिर उसके बाद भी आप लोग अगर ये कमेंट्स करेंगे, ये पूछेंगे कि सर अभी कौन सा चल रहा है, तो ये तो इम्पॉसिबल है भाई। हर किसी को एक एक जॉब्स के अपडेट देना बोले तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि पीछे और भी कैंडिडेट्स जो रहता है वो फोन करता रहता है, उनका कॉल अगर वेटिंग में जाता तो फिर वो लोग क्या करते हैं, तीन चार बार कंटिन्यू कॉल करते हैं, वो लोग बंदे जो है जाके कमेंट्स करने लगते हैं। आप में से ही कोई कमेंट्स करने लगता है कि जो है फोन बिजी आ रहा है, फोन उठा नहीं रहा है, क्या क्या पता नहीं मन में क्या जो आता है बोलता है। एनीवे भाई उनका बोलने का काम है, हम लोगों का जो है ज्वाइनिंग या फिर काम देने का काम है, जॉब देने का। तो गाइस अभी टाइम में रिलायंस का चल रहा है, इसके अलावा कपड़े की फैक्ट्री का चल रहा है, इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड का भी चल रहा है। सिक्योरिटी गार्ड का मैंने बोला था कंपनी की तरफ से रूम की फैसिलिटी है, 13,000 सैलरी है, 13,000 रुपये सैलरी है, रूम की फैसिलिटी मिलती है, खाना पीना नहीं मिलता है। प्रेजेंट टाइम में इसमें अभी नाइट ड्यूटी चल रही है, अगर कंपनी वाला चाहेगा कि उसको दिन में कैंडिडेट्स की जरूरत है तो आपको दिन में भी वो लगा सकता है, उसमें कुछ फिक्स नहीं रहता है। जो जो कैंडिडेट्स करना चाहता है वो मुझे कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप बता सकता है। इसमें जो रहता है एज क्रिटेरिया जो है इसमें 40-45 भी चलता है सिक्योरिटी का लाइन में, लेकिन जो स्टोर का था या फिर जो कपड़े का फैक्ट्री का था उसके लिए जो है 18 से 25 लास्ट है। अगर आपको एक्सपीरियंस है कपड़े के लाइन में तो उसमें आपको 30 साल लास्ट लिया जाता है, लेकिन स्टोर में केशियर में जो जो मैं जॉब डाला था उसमें जो है आपको 18 से 25 लास्ट रहता है, उसके ऊपर में जो है आपको नहीं लिया जाता है। और रिलायंस स्मार्ट और स्टोर का जो मैंने वीडियो डाला था उसमें जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना ही होना है, क्योंकि स्टोर वाले में कैशियर की भी जो पोस्ट है वो कैशियर में मिनिमम 12वीं पास होना है। इसमें लोकल लैंग्वेज का मैंने जो ऑलरेडी आपको वर्णन किया, चाहिए तो मैं सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका सारा का लिंक, नहीं है तो आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं, आपको जो एक एक वीडियो का एक एक अपडेट्स में मिल जाएगा। तो गाइस अभी रनिंग में 3 से 4 वैकेंसी चल रही है ऑलरेडी, कपड़े की फैक्ट्री के वापस जो है चल रही है, रिसेंटली जो है उन्होंने वापस अपडेट दिया है। प्रेजेंट टाइम अभी भी ज्यादा नहीं, खाली 30-40 कैंडिडेट्स की जरूरत है प्रेजेंट टाइम में। तो गाइस जो पहले आएगा वो पहले पाएगा वाला अभी काम रहेगा कपड़े की फैक्ट्री में, क्योंकि ऑलरेडी वो फुल हो चुका है हम लोगों के पास। जो बंदा ऑलरेडी टिकट बना चुका है या फिर जो बंदा ऑलरेडी जो है रास्ते में है, उन बंदों का सिर्फ सैटरडे संडे को कॉल पिकअप होता है, अन्यथा आप सैटरडे संडे को कॉल नहीं करें, इससे आप लोगों को भी डिस्टर्ब होता है, हम लोगों को भी डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब ये होता है हम लोगों को कि हम लोग को तकलीफ होता है कि हम लोग आपको रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं देते, और आपको ये डिस्टर्ब होता है कि मन में अलग सा आपके मन में भेदभाव आता है। और एक बात कॉल करके ये ना पूछे कि सर जॉब के लिए पैसा लेते हैं क्या, 70-80% लोग यही बोलते हैं सर जॉब के लिए पैसा है क्या, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम लोगों की तरफ से कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाता, जो दूसरे कंपनी वाले लेते हैं 3,000, 4,000, 5,000 रुपये कुछ भी नहीं लिया जाता, फ्री रहता है। हाँ मैं जानता हूँ कि हमारी कंपनी में क्लाइम करने वाले बहुत सारे ऐसे जो है लड़के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जो कंपनी वाले भी हैं जो हम लोगों के ऊपर काफ़ी जो है प्रेशर डाल रहे हैं, काफ़ी टाइम से जो हम लोगों के पास कॉल कर मतलब आ रहा है कि सर ऐसा मत कीजिए हम लोगों का क्या होगा। काफी मैं दो तीन जो है कंपनियों का फोन अटेंड करता हूँ तो वो बोलते हैं कि पर्सनल नंबर पे सर हम अगर आप लोग ऐसा करेंगे भैया तो हम लोगों का क्या, आप लोग भी कुछ चार्ज लीजिए, आप लोग भी कुछ ऐसा कीजिए, हम लोगों को ऑफर करें, नहीं तो वो क्या कर रहे हैं कि अपने ही कैंडिडेट से यूट्यूब पे फेक फेक कुछ कुछ बोल के कुछ कुछ कमेंट्स करवाते हैं ताकि जो है उनका चैनल डिमोनेटाइज हो जाए या फिर उनके कुछ चैनल पे ऐसा इश्यू आ जाए ताकि जो वो वीडियो ही अपलोड ना कर सके, मतलब उनकी तरफ से काफ़ी कोशिशें चल रही है। या फिर जब वो वीडियो में बोलेंगे ना तो ऐसे ही बोलेंगे कि हमारी कंपनी अच्छी है, हम 100% श्योर है, सिक्योर है, हम लोगों के पास जो है चार्ज दीजिए, आप लोगों को बिल मिलेगा, या फिर हम लोग रूम दिलवाते हैं, जो भी है उनका बोलना बोल दीजिए। मेरे पास सिंपल सा भाई है, थ्योरी है, सिंपल सा मेरे पास काम है भाई,
हम लोग पहले तो किसी को प्रेशर डालते नहीं कि तू अपना रिव्यू दे। काफी कैंडिडेट्स ऐसे भी रहते हैं कि सर कितने बंदे ज्वाइन हुए उसका रिव्यू वीडियो ला लिया। तो मैं गाइस एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कैंडिडेट्स को बोलता हूँ कि भाई तो मन में हो तो अपना वीडियो रिव्यू वीडियो बना के भेजना, प्रेशर नहीं है इसमें, दबाव नहीं है, नहीं तो एक हल्का सा कमेंट्स कर देना जो है यूट्यूब पे चैनल पे, बस वही काफी हम लोगों के लिए। रिव्यू वीडियो देना और आपको जो है एक्सप्लेन करना कि सही में है या है नहीं, वो हम लोग वो नहीं चाहते, टाइम ही नहीं मिलता हम लोगों के पास। सुबह से शाम इतने कॉल्स और इतने रिज्यूम रहते हैं लोकल वाले में कि जो है हम लोग उनको भी मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो एक रिव्यू वीडियो बनाने में भी हम लोगों को जो है टाइम नहीं मिल पाता। हाँ मैं ट्राई करेंगे, कंपनी वाला भी ट्राई कर रहा है कि काफी इस वीडियो छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो हम लोगों के पास आए हुए हैं, रिव्यूज वीडियो, उनको एक रील में बना के एक अच्छे से पूरा वीडियो को बना के हम लोगों को आपको यूट्यूब पे जरूर डालेंगे गाइस। तो फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट टाइम में सिक्योरिटी के चल रहा है, इसके अलावा पैकिंग पैकर्स का चल रहा है, इसके अलावा जो है कपड़े का फैक्ट्री का चल रहा है, इसके अलावा रिलायंस का चल रहा है, सबका अलग अलग जो है क्राइटेरिया। अब इसमें जो रहता है रिलायंस का जो है मंडे ट्यूसडे लास्ट रहता है, सिक्योरिटी लाइन का आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और कपड़े की फैक्ट्री का जो है आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतना सारा अपडेट्स है आप लोगों के लिए, अभी जो वैकेंसी रनिंग चल रही है खाली चल रही है। तो गाइस हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक